हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं साइथा टेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जो फाइबर सोल का दूसरा 1G डिवाइस है ये वाला, ये कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, क्योंकि BSNL में लोग जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि VLAN ब्रिज मोड में कहाँ टैग करना है। तो आज मैं आपको इस पर ब्रिज मोड और राउटिंग मोड दोनों ही कन्फिगर करके दिखाने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि ब्रिज मोड में डिवाइस है तो उसके अंदर VLAN कैसे डालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। डिवाइस को हमने लगा लिया है तो अभी हम सबसे पहले अपना जो नेटवर्क कार्ड है उसके अंदर IP एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ शायद मैंने डाल रखा है इसके अंदर, जी तो ये IP मैंने डाल रखा है। आपको डालना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कीजिए, IPv4 पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको 192.168.1.10 या 20 जो भी आपको लैपटॉप को IP देना है वो दे के ओके कर दीजिए। यहाँ पे हम IP डालेंगे 192.168.1.1 और इसका जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है वो है एडमिन और FIB@123456। तो ये डिवाइस हमारा लॉगिन हो गया है और यहाँ पे आपको पॉन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको RxTx पावर दिखाएगा। तो ये जो भी पावर -6 रिसीव हो रही है ये हाई है, इसको मुझे थोड़ा सा स्प्लिट करना होगा। ये -14 हो गया है तो अभी पॉन वैन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू लिंक और राउट के लिए यहाँ पे IPO, अगर आप DHCP नेटवर्क चलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे IPO कीजिए और DHCP पे क्लिक कर देना है। अगर कोई VLAN है तो यहाँ VLAN डाल दीजिए, मेरा मैंने 100 VLAN टैग कर रखा है और यहाँ पे LAN पोर्ट को बाइंड करके अप्लाई चेंज कीजिए। तो अभी हम एक बार स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि सर्विस हमारी जो है वो चली या नहीं। तो अभी नहीं चली है, अभी देखिए कनेक्ट हो गई है और ये IP मुझे मिल गया है। तो ये जो अभी हमने DHCP प्रोफाइल बनाया है इसके बाद अगर हम इसके आगे कोई डिवाइस के आगे चलाएंगे तो नहीं चलेगी, क्योंकि जो DHCP सर्वर है वो DHCP सर्वर अभी डिसेबल है। तो यहाँ पे DHCP सर्वर को इनेबल करके अप्लाई चेंज करेंगे हम तो ये जो नेक्स्ट हॉप है उसको लीज पे IP देगा। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं नन कर देता हूँ और PPPoE के लिए कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ मैं और यहाँ पे VLAN टैग करना है। अगर आपके पास VLAN नहीं है तो VLAN डालने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे PPPoE सर्विस इंटरनेट और यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड पोर्ट मैप कर लेंगे अप्लाई चेंज। तो अभी स्टेटस पे जाके क्लिक करके चेक करते हैं तो ये देखिए मुझे IP मिल गई है और जो प्रोफाइल हमने बनाई है वो कनेक्टेड है। तो ये थी आपकी राउट मोड में कॉन्फ़िगरेशन और अभी मैं आपको ब्रिज मोड में जो VLAN वगैरह है वो डालना कैसे है वो काफ़ी इजी है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो नॉर्मल ONT की तरह ही है। तो यहाँ आपको जो BSNL में लीज लाइन यूज कर रहे हैं बैंक वगैरह की कनेक्टिविटी के लिए तो यहाँ पर अपने लीज लाइन का VLAN डाल दीजिए और जो कनेक्शन टाइप है यहाँ पर अदर रहेगा। तो अभी जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट करके टेस्ट कर रहा हूँ, आपको अदर रखना है और यहाँ पे लैन बाइंड कर देंगे, अप्लाई चेंज कर देंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सर्विस है वो कैसे चलेगी। नॉर्मली जो लीज लाइन के लिए आप IP डाल के टेस्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे एक अपने टेस्टिंग के लिए मैंने एक IP बनाई हुई है वो डाल देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं जो रिप्लाई है वो मुझे मिल रहा है और यहाँ पे इंटरनेट भी कनेक्ट हो गया है और ब्राउजिंग भी मेरी हो रही है। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन इसकी और अगर आपको इसके अंदर जो
सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है या पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सर की हाल चाल है? ठीक है ठीक है। एडमिन पे क्लिक करना है तो यहाँ से जो आप कॉन्फ़िगरेशन है वो बैकअप ले सकते हैं, अगर कोई पुरानी कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, और जो रीसेट करना है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन। दूसरा, पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड है वो डालना है, न्यू पासवर्ड यहाँ, फिर कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर, और अप्लाई चेंज कर देना है। फर्मवेयर अपडेट के लिए यहाँ पर आप फर्मवेयर अपडेट पर क्लिक कीजिए, यहाँ से जो भी फाइल है जहाँ भी है उसको सिलेक्ट करना है और अपग्रेड पे क्लिक करके इसको अपडेट करना है। अपडेट करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, डिवाइस जब तक ऑटोमेटिकली रिबूट ना हो जाए तब तक पावर ऑफ ना करें।